ब्रिस्बेन T20 में भारत की 4 रन से हार हुई है। मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को रोमांचक मैच में मात दी है। बारिश के कारण मैच 17-17 ओवर का कर दिया गया था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 17 ओवर में 4 विकेट गंवाकर 158 रन बनाए और डकवर्थ लुईस नियम के तहत भारत को जीत के लिए 174 रनों का संशोधित टारगेट मिला। मैच शुरू होने के बाद 16.1 ओवर में बारिश आई, जिसके कुछ देर बाद मुकाबला दोबारा शुरू किया गया, लेकिन अंपायरों ने इसे 20 ओवरों की जगह 17 ओवर्स का कर दिया था। टारगेट का पीछा करते हुए टीम इंडिया ने 17 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 169 रन बनाए, लेकिन 4 रन से मैच गंवा दिया। आखिरी ओवर में भारत को जीत के लिए 13 रन चाहिए थे, लेकिन दिनेश कार्तिक और कुणाल पंड्या के विकेट गिरने की वजह से वो जीत से 4 रन दूर रह गया। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के एडम जाम्पा और मार्क स्टोइनिस ने 2-2 विकेट लिए। इन दोनों ने अहम समय और अहम खिलाड़ियों के विकेट चटकाए। जाम्पा ने विराट कोहली और लोकेश राहुल के विकेट लिए, तो वहीं स्टोइनिस ने आखिरी ओवर में दिनेश कार्तिक जिन्होंने 30 रन बनाए और कुणाल पांड्या जिन्होंने 2 रन बनाए उन्हें आउट करके भारत की जीत की संभावनाओं को खत्म कर दिया। भारत के लिए कार्तिक से पहले शिखर धवन ने 42 गेंदों पर 10 चौके और 2 छक्कों की मदद से 76 रनों की पारी खेलकर टीम को जीत की पटरी पर बनाए रखा। लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम में रोहित शर्मा जिन्होंने 7 रन बनाए और टोटल स्कोर 35 पर पहला झटका लगा। दूसरे छोर से धवन तेजी से रन बटोर रहे थे और लगातार आउट ऑफ फॉर्म चल रहे राहुल जिन्होंने 13 रन बनाए एक बार फिर से विफल रहे। उन्होंने जाम्पा की गेंद पर निकलकर मारने का प्रयास किया और इसी में वो चूक गए। एलेक्स कैरी ने उनकी गिल्लियां बिखेरने में कोई गलती नहीं की। वो 81 रन के कुल स्कोर पर आउट हुए।